गया शहर में शिक्षक भोला प्रसाद सेवानिवृत्त होने के बाद छात्रों को पठन पाठन सामग्री निशुल्क वितरण कर रहे हैं। जब इस संबंध में मीडिया ने शिक्षक से सवाल किया कि आप समाज को निशुल्क पढ़ने की सेवाएं क्यों दे रहे हैं, तब शिक्षक ने बताया कि मैं बहुत गरीबी से उठकर शिक्षक बना था, इस दर्द को याद करके बच्चों को तकलीफ दूर करने की सोच रहा हूं, ताकि हमारे जैसे दुख परेशानी बच्चों को ना करना पड़े और अपनी हौसले के लिए उसके अनुसार हौसलों के अनुसार मंजिल प्राप्त कर सके। ट्रेन किया जा रहा है, पाठन सामग्री में तुमको क्या मिला है? सर के द्वारा हम लोगों को जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है 2024 के लिए, उसका मतलब नोट्स दिया जा रहा है। कहाँ से तुम लोग आए हो? हम तो भी डेला पर रहते हैं, वहाँ से आए हैं। कॉलेज का नाम बताओ। कैसे? गया कॉलेज, गया से। कैसे जानकारी मिला कि यहाँ पर मुक्त? गया में प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहे थे, तो वही सर का मतलब पर्चा आया था, तो वही बोले कि फ्री में वहाँ पर नोट्स मिल रहा है, जाके ले लो। क्या नाम है? शशि रंजन कुमार। कहाँ से हो? डेला पर। कौन से क्लास में पढ़ता है? 12th में। जी बताइए, अभी स्टूडेंटों को आपके तरफ से क्या सेवा दिया जा रहा है पाठन सामग्री में? हाँ, पाठन सामग्री में 2024 के फरवरी में जो परीक्षा होने वाली है, रसायन विज्ञान के परीक्षा को मद्देनजर विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसमें रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण क्वेश्चन में होता है कन्वर्जन, व्हाट हैपेंस, नोमेनक्लेचर, शॉर्ट नोट इत्यादि, तो इन सब का नोट्स बना करके, जीरोक्स करा करके और छात्रों को या छात्राओं को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है यूनिक केमिस्ट्री सेंटर की ओर से, ताकि जो मेधावी छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, उनको इससे फायदा हो जाए और अच्छा से अच्छा अंक ला करके वो बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड में उत्तीर्ण हो जाए। आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो निर्धन हैं, कहीं कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, गरीब हैं, मेधावी जरूर हैं लेकिन गरीब हैं, उनके पास कोचिंग में पैसा देने का नहीं है, तो मैं इस उद्देश्य से कि हमारे सारे बच्चे रसायन विज्ञान को अच्छी तरह से करके और इंजीनियरिंग मेडिकल में जाएं, अध्ययन कर लें, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए मैं निःशुल्क जो है नोट्स का वितरण कर रहा हूँ। डॉक्टर भोला सिंह सेवानिवृत्त प्राचार्य।